लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि जनता को डरा धमका कर वो चुनाव जीत जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा, ममता बनर्जी के शासन में शेर शाहजहां जैसे महिलाओं के लिए खतरा बने हैं, वहां गई जांच एजेंसियों पर जानलेवा हमले किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को उतारा गया है। क्या ममता जी जनता को डरा धमका कर उनकी जान लेकर चुनाव देंगी? अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। जेपी नड्डा ने आगे कहा, जिस बंगाल में शास्त्रीय संगीत सुने जाने चाहिए थे वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। ममता जी, आपने बंगाल को क्या बना दिया है? क्या सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग ने ऐसे बंगाल की कभी कल्पना भी की होगी? जनता आपको करारा जवाब देगी और भाजपा यहां से 35 सीटें जीतेगी। संदेश खाली की पीड़िता को टिकट देकर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को मिसाल पेश की है। भाजपा ने ममता बनर्जी को बताया कि संदेश खाली की ये महिलाएं अकेली नहीं है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने ममता बनर्जी सरकार पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि संदेश खाली में एनएसजी कमांडो और सीबीआई के छापे में शाहजहां शेख के गुर्गों के पास बंगाल पुलिस के आधिकारिक हथियार यानी कोल्ट रिवॉल्वर के साथ भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की गई है। प्रेम शुक्ल ने अपने बयान में आगे कहा कि यह स्पष्ट होता कि अब तक भ्रष्टाचारियों को पालने वाली ममता सरकार अब आतंकवादियों को भी पालने का काम कर रही है। जिस तरह से बंगाल सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है वह साफ संदेश देता है कि किस तरह बंगाल अराजकता के मुहाने पर बैठा हुआ है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।